श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना मध्य प्रदेश की नीमच इकाई द्वारा आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। नीमच कलेक्टर कार्यालय पर दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले दिनों बांग्लादेश में हुई राजनीति उथल पुथल के कारण वहां पर उग्रवादी और चरमपंथी ताकतों ने एक लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। इस माहौल में वहां हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी और लूट की घटनाएं हो रही है। हिंदू समाज की बहु बेटियों के बलात्कार की खबरें भी लगातार आ रही है। मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस मामले में संज्ञान लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप किया जाए और हिंदू भाई बहनों की सुरक्षा व सहायता सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर शक्ति सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह चौहान, पुष्पराज सिंह, पृथ्वी सिंह, विक्रम सिंह, लोकेंद्र सिंह, पम्मू बना, स्वर्णजीत सिंह और बड़ी संख्या में कर्णी सैनिक उपस्थित रहे। आज हमारी मांग है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वहां के जो अल्पसंख्यक है उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मैं बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। तो मैं सरकार से, जो अभी वर्तमान में जो सरकार है और वहां की जो सरकार है, अभी जो वर्तमान में नई सरकार बनी है, हम उनसे ये आशा करते हैं, हमारी सरकार से भी ये आशा करते हैं कि जल्द से जो भी उग्रवादी जो संगठन है उनके द्वारा जो वहां जो घटनाएं घट रही है उनको रोका जाए और जल्द से जल्द हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। शक्ति सिंह राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य राजपूत कर्णी सेना मध्य प्रदेश इकाई द्वारा बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ है उसके संदर्भ में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को के नाम से और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया है कि बांग्लादेश में जो सर्व हिंदू समाज अल्पसंख्यक के रूप में जो सर्व हिंदू समाज रह रहे हैं उनके साथ हत्या, बलात्कार, तोड़फोड़, मंदिरों के साथ तोड़फोड़ हो रही है, उस घटना को संज्ञान में ले और वहां रह रहे हिंदू समाज और अल्पसंख्यक जो भी समाज के जो रह रहे हैं उनकी रक्षा करी जाए और उनके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उनकी सब ये अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जाए। मैं गजेंद्र सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना नीमच। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ विनोद गुर्जर की रिपोर्ट।